प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का और टोटली आपसे 75 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ से देख सकते हो, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, लेंचो होप फॉर ए सोवर फॉर हिज क्रॉप। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, आप सब लोग देख लें यहाँ से, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। यानी कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स यानी कि पानी की जो बूंदे हैं वो नए सिक्के हैं। तो देखिएगा इसको क्यों कहा था, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है यहाँ तक का, और आप लोग इतना देख लें पूरा का पूरा इसको। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, व्हाट वे लेंचोस फीलिंग वेन द हेल स्टॉपेड। यानी कि लेंचो का स्वभाव या भाव ऐसा उसका कैसा था जब ये हेल यानी कि ओले बंद हो गए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख ले पूरा का पूरा, ये इसका उत्तर लिखा है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये, हु रीड द लेटर। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, ए पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर, यहाँ पर आपको लिखना है रीड द लेटर। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या आपका, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। तो देखिएगा पोस्टमास्टर ने क्या कहा, यहाँ से आप सभी लोगों को इसके आंसर को याद कर लेना पूरा का पूरा। अब उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि वो किस वजह से नाराज हो गया। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, लेंचो वाज डिस्प्लेड वेन ही फाउंड दैट द मनी वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखिएगा आपका जो चैप्टर 2 है जिसका कि नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। तो देखिएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पार्ट है ना आपका, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th मई एंटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, 10th मई एंटम डे इन साउथ अफ्रीका। और देखिएगा यहाँ पर लिखा आगे, सिंस दिस डे वाज ए लार्जेस्ट मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सोल एस्टेब्लाइज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों किया। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ तक का लिख लेंगे आप सभी लोग, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर गिविंग हिम द प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ तक का पूरा आंसर आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लें, वेयर वाई वेयर द 2 नेशनल एंथम संग। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लें आप सब लोग यहाँ तक का, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देख लें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लेंगे आप सभी लोग जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा याद कर ले आप सभी लोग, 3 लाइनों का ये आंसर है, आप सब लोग इतना पढ़ लें इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका अपना, इसको भी आप सब लोग याद कर लोगे। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा आपका जो चैप्टर 3 है जिसका कि नाम क्या है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो देखिएगा इसमें से आपको फर्स्ट ये जो पेपर ये पार्ट है ना, इज फर्स्ट प्लाइस्ट, इसमें से आपको क्या करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन,
वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, पूरा का पूरा इसका आंसर लिखा गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें यहाँ तक का, और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लोगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग इसको देखते चले बराबर। अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो देखिएगा इसको इतना याद कर ले यहाँ तक का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे इसको। तो देखिएगा इसी में जो अगला वो चैप्टर है आपका, जिसका कि नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या करना है, चौथे चैप्टर में से इसको इतना याद करना है, वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप ए डायरी। तो इतना क्वेश्चन पूरा का पूरा याद कर लेंगे आप सभी लोग यहाँ से। अब उसके बाद में अगले पार्ट को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपको एक तो ये इतना पढ़ लेना है और एक ये वाला क्वेश्चन भी याद करना है, जिसमें क्या लिखा है, वाई डिड एन ए थिंक सी कुड कॉम्प्लीट मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लें यहाँ तक का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, वाई डज एन ए प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लोगे आप सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा एक और अपना अगला क्वेश्चन है ये, वाई वाज मिसेस किजिंग एनी वन द एन ए, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लें आप सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पूरा का पूरा प्रश्न और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ तक का याद कर लोगे। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इनको देखते चलें और पूरा का पूरा इनको याद भी करते चले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा कुछ और प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं आपके, यहाँ से आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड हाइड। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लेंगे और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हैं, ये वैसे अभी याद मत करना आप, अभी ये नहीं आएगा इस पर, ये इसको नहीं करें याद, मैंने आपको बताया है, मगर आपको इसको याद बिल्कुल नहीं करना है, ये आपसे पेपर में अभी नहीं पूछा जाएगा। और आपको ये भी नहीं पढ़ना है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना जो मैंने आपको मना किया है, मगर ये जो पार्ट है ना आपका ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया, इसमें से आपको ये वाले चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर याद कर लेना है, ये जो कि लिखा है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर यह क्वेश्चन लिखा है, इसको भी आप सभी लोग याद कर लें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, ये आपके पोएम्स के क्वेश्चन से, वेयर इज ए कूर्ग, कूर्ग क्या है। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लें पूरा और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग एक ये वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ द कूर्ग। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ये आपकी जो पोएम है टी फ्रॉम असम, इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन याद करना है, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। देखिएगा इसको इतना याद कर लोगे आप सभी लोग। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू द टी गार्डन। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लोगे आप सभी लोग। उसके बाद में देखिएगा आपकी अगली पोएम है द सरमन एट बनारस। तो देखिएगा इसमें से आपको कौन कौन से पढ़ना है, ये आपका अगला चैप्टर है। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको सबसे पहले तो ये वाला याद कर लेना है, वेन हर सन डाई कीजा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज सी आस्क्ड फॉर। तो देखिएगा इसको इतना याद कर लोगे आप सभी लोग। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें, आपकी जो अगली पोएम्स है जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में से पहला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लोगे आप सभी लोग, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। तो इसको पूरा यहाँ तक का पढ़ लें आप सभी लोग क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो देखिएगा इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का नोट कर लें आप सभी लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, यानी कि पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया, तो इसको पूरा का पूरा नोट कर लेंगे आप सब लोग यहाँ तक का। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसको पूरा का पूरा याद कर लो आप लोग यहाँ तक का पूरा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसको इतना याद कर लोगे। अब उसके बाद में देखिएगा बाल पोएम जो आपकी कविता है, इसमें से आपको पहला क्वेश्चन ये, वेयर डिड द बाल गो, यानी कि बाल कहाँ पर चली गई, इसको पूरा का पूरा याद करना है आपको यहाँ तक का। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा ये आपका टाइगर इन द जू का, आपको पहले यहाँ से ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से पढ़ लें और इनका रिविजन भी कर लें।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ से आप सभी को आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस बता दिए हैं।